जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। एक ऐसा शब्द है गुरमुख फिलासफी दे विच सिमरन जिहदे बारे बहुत ही चर्चा आम तौर ते सुनी दी है। जिथे भी संगत जुड़ती है गुरु के प्यारे जुड़ते हैं एक बड़ा वड्डा ये सब्जेक्ट जिहड़ा इशू है खड़ा हो जाता है। सिमरन में वाहिगुरु कह लेना सिमरन है, दूसरा कहिंदा नहीं पाठ करना सिमरन है, तीजा होर दलील दिंदा है। इस तरह वक्रिया वक्रिया दलीलां सिमरन बारे दित्तियां जांदियां हैं। सिमरन दे जिहड़े अखरी अर्थ हन ओह याद चिंतन चेता। ते वाहिगुरु दा परमेश्वर दा सिमरन उहदे गुणां नूं मन विच वसा के बार बार उहदी याद उहदा नाम सिमरन है। तो गुण मन विच वसा के लफ्ज़ है, वाहिगुरु दे गुणा नूं मन विच वसा के उना गुणा दी बार बार याद जिहड़ी है उह सिमरन है। भाई वीर सिंह जी ने भी बहुत प्यारे शब्द लिखे हन इहदे बारे च, कहिंदे साईं सूरज है नाम उस सूरज दी धुप है, उसका प्रकाश उसकी रोशनी उस सारे नूरों नूर कर दिंदी है। वो साथों दूर नहीं नेड़े है। गलतफहमी वड्डा वड्डा भुलेखा भी वाहिगुरु दूर है, ये साडे अंदर भुलेखा है। जिवें सूरज दूर है पर धुप नेड़े है, वो सूरज का नाम धुप उहदा इक्को ही इक्को चीज़ है, उहदा हिस्सा है। सब तो वड्डा कर्म याद है मनुख दी जीवन दे विच, सब तो वड्डा कर्म याद है। प्यार नाल प्यार भरी याद नाल हर वेले हर समय अपने पिता परमेश्वर दी नाल लगे रहना, पिता परमेश्वर नूं अपने हजूर समझना, जिस तरह बच्चा मां दी गोद विच बैठा रहिंदा है इसे तरह परम गोद विच पए रहना, उस प्यारे दी गोद दा निग मारना, ये सिमरन है, ये याद है। जगत दे कम करने हन पर गोद विचों निकल के नहीं, उस प्रीतम दी उस प्यारे दी गोद विच बैठ के। गुरमत दा मार्ग कम छड्डन दा नहीं है, गुरमत दा मार्ग उस प्यारे दी गोद विच उहदी याद विच, गोद अर्थ याद है, उहदी याद विच रह के करने हन। असी मन दा झुकाओ हमेशा ही अपने उस वाहिगुरु वल परमेश्वर वल जिहदे वक्रे वक्रे नाम हन, जिहनूं असी कीर्तम नाम कहिंदे हां, उहदे कम्मां वल देख के जो असी नाम रखे हुए हन। मन दा झुकाओ उस पार ब्रह्म वल परमेश्वर वल बनिया रहे। काम काजां नाल साडा बार बार ध्यान टुटदा है, पर जिस अंदर प्यारे दी भुख है उहदा रुख हमेशा ही उस प्यारे वल हुंदा है। याद कदों करदे हां असीं? जदों सानू महसूस हो जाए कि कोई साढ़े तो दूर है, साढ़े तो विछड़िया होया है। जदों विछोड़े का एहसास ना रवे याद करने की लोड़ खत्म हो जाती है। ये सारिया गल्लां सानू गल दसदियां ने कि जिसनू असी याद करते हैं या जिसनू असी याद करना है वो साढ़े तो दूर है लेकिन असं उसकी नेड़ता प्राप्त करना चाहते हाँ। एक तड़फ अंदर होनी चाहिए है नेड़ता प्राप्त करने की। तो उस वाहिगुरु की वार वार याद इस गल का एहसास है कि असं वाहिगुरु तो विछड़े हुए हाँ, साढ़े विचाले कोई पड़दा है, साढ़े विचाले कोई उहदे विच कोई कंध बन गई है। उसकी नेड़ता उस वाहिगुरु नूं हर थां मौजूद समझना, उसकी नेड़ता नूं हासिल करना, इहनूं असीं सिमरन कहिंदे हां, इहनूं याद कहिंदे हां, चिंतन कहिंदे हां। हुण सिमरन मन दा जां सिमरन मूंह दा विशा, मेरी बेनती है कि कोई गल भी असीं जदों करनी है पहलां सानूं जां बोली जांदी है जां सुनी जांदी है जां वेखी जांदी है, कल्ला मन एहसास करके कोई काम नहीं कर सकता। इस बच्चे नूं तुसीं जन्म तो बाद बाहर ना कढ़ो, उहदे सामने कोई गलबात ना करो, ना बुलाओ तो बोलना नहीं सिखदा।
वो सुनना भी नहीं सीखता क्योंकि उन्हें पता नहीं, एहसास नहीं है। इसी तरह ही ये जिहड़ी प्यारे दी याद सुनन नाल, देखो सुनना इहदे सिमरन दे वक्रे वक्रे हिस्से हन, उद्यमी ते सावधान होना, सुनना, विचारना, अगे इहदे हिस्से तुरे जांदे हन। तो पहली गल साडी सुनन तों जां कन्नां नाल सुनन तों, मूंह तों बोलन तों, अखां नाल वेखण तों शुरू हुंदी है जदों भी असीं कोई गल करदे हां। बार बार असीं, मैनूं याद आ गया, छोटे हुंदे असीं स्कूल विच पढ़दे सी, सानू आ टेबल जिहनूं अज कहिंदे, अज उह पहाड़े कहिंदे सन, उह कराए जांदे सी। उदों दे पढ़े हुए पहाड़े बार बार दोहराए हुए, रोज शाम नूं जदों छुट्टी तों पहलां अद्धा पौणा घंटा सानू लाइना च खड़े हो के ये पहाड़े पढ़ाए जांदे सी। पर उदों दे पढ़े हुए पहाड़े जो असीं 7, 8, 10 साल की उम्र च पढ़े होणगे, अज भी साढ़े चिंतन का हिस्सा बन चुके हैं। क्यों बने? बार बार याद करके, बार बार बोल के, बार बार कह के। अज कैलकुलेटर की लोड़ नहीं है, 16 जरबे 16, 16 × 60 = 256, 256, बार बार 144, 13 × 169। क्यों? क्योंकि वो साढ़े याद का एक हिस्सा बन गया जिन्होंने असं बार बार कहा। सिमरन चिंतन का एक हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, पर हिस्सा एक बार बोलन नाल जां कहन नाल जां पढ़न नाल नहीं बनता। साढ़े अंदर उहदी परमात्मा नालों विथ पई हुई है, तो ये विथ मिटाउण लई बार बार उहनूं याद करना पएगा। उहदा ढंग गुरबाणी नूं पढ़ना, गुरबाणी नूं विचारना, शब्द नूं पढ़ना, शब्द दी विचार करनी, सहज पाठ कर लैणा, कई ढंग अलग नाम है, सब उहदी याद, पर केवल पढ़ लैणा जां केवल सुन लैणा इत्थों तक सीमित नहीं है। अगे अमली जीवन शुरू होंगे, प्रैक्टिकल शुरू होंगे, उन्होंने मन मन के कहने हैं, उन्हें अस कहने मनमय सिमरन। मनमय सिमरन की है? वाहिगुरु के गुण जो असी पढ़े हैं, जो सुने हैं, उसके अनुसार तुहाडा प्रैक्टिकल जीवन बन जाना, जो रोजाना की जिंदगी साड़ी उस कर्म अनुसार बन जानी। जे मनमय सिमरन यही है, मन चिंतन के वसण का होर कोई मतलब नहीं है। वाहिगुरु के गुणा के जिहड़े गुण वाहिगुरु के हैं, परमेश्वर के गुण हैं, उस करते दे गुण हैं, उन्हां गुणा मुताबक साड़ी जिंदगी चेंज आ जानी, बदल जानी। सिमरन यह है। जां इक्को असीं बार बार भावे सारी जिंदगी च असीं 100 वार भी पाठ कर लईए, 100 अखंड पाठ भी कर लईए, 100 सहज पाठ भी कर लईए, जे साड़ी जीवन विच चेंज नहीं है, खड़ोत है, तो खड़े हुए पानी विच हमेशा तिरकिरम पैदा हो जाते हैं, वो पानी फिर सुगंधी नहीं दिंदा, दुर्गंध दिंदा है खड़ा होया पानी भी। तो खड़ोत दूर करने लई वार बार 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 याद है। देखो अंब का सीजन हुंदा सी, अंब जदों असीं चूपदे सी, कदी भी इंसान अपने मूंह चो कढ के दुबारा वो चीज मूंह च नहीं पाता। पर मैनूं याद है असीं अंब जदों चूपना, जद तक गिटक वो चिट्टी नहीं हो जानी पीली तों, बार 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 उदों असीं मूंह च पाते सां, कढ लैंदे सी। क्यों? उस अंब दे रस्ते दा पूरा रस लैण लई, उस अंब दा असीं बार बार उहनूं असीं इस तरह करते। तो यही गल है कि वाहिगुरु की याद न अपने अंदर का हिस्सा बनाने लई सानू बार 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 गुरु के गुण, गुरु की वडियाई, गुरु की गल करनी पवेगी। अदरवाइज असी ये नहीं कह सकते भी साड़ी असी वाहिगुरु नाल मिलाप कर लिया। तो साड़ी जिंदगी जिहड़ी है वह परमेश्वर के नाल सानू हमेशा जुड़ के, उहदे अंदर जुड़ के, जुड़ना कदों है? पहला पढ़ना पैंदा, विचारना पैंदा, सुनना पैंदा। तो क्यों सिमरन करते हैं असी? पहली गल भी असी परमात्मा दी अंश हाँ, दूजा साडे साडा परमात्मा तो विछोड़ा होया है, तीजा साडे मन दी रुचि माया वालों हट जाए, टुटी हुई लिव फिर वाहिगुरु नाल जुड़ जाए, वाहिगुरु नालों विछोड़ा दूर हो जाए, उस नाल साडा मिलाप हो जाए, साडा अंदर शक्तिशाली ते मजबूत बलवान हो जाए, वाहिगुरु दे सदा सहाई होने का निश्चा साडे अंदर आवे। इहदे लई सिमरन दीआं लोड़ां फिर उद्यमी ते सावधान होना, डिसिपलिन विच रहना, शब्द रूपी दीवे का आनंद मानना, विश्वास रखना, निश्चा रखना, वाहिगुरु दे भै विच रहना। इहदे ढंग हन उचारना जां सुनना, ध्यान, विचार, ज्ञान, विस्माद, प्यार ते लिव,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਨਾ। ਤੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੇਵਲ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਯਾਦ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ ਅਸਲ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ